अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस बाइक का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है जी यूनिक की 70 अलॉय रिम्स में। तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले ग्राफिक की बात कर लेते हैं तो ग्राफिक कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मीटर की बात की जाए तो मीटर जो है इस बाइक का सिंपल है और डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। अगर अलॉय रिम्स की बात की जाए और टायर्स की बात की जाए तो अलॉय रिम जो है आपको अल्युमिनियम के मिलते हैं इस बाइक में, और टायर की बात की जाए तो जो टायर है वो आपको पैंथर का मिलता है इस बाइक में। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के बैक साइड से देखें तो बैक साइड में जो आपको बैक लाइट और इंडिकेटर लाइट्स मिलती हैं वो सिंपल बल्ब वाली मिलती हैं और उनका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। मडगार्ड जो है दोनों स्टील के मिलते हैं आपको इस बाइक में। इसके बाद हम हैंडल के ग्रिप की बात कर लेते हैं तो ग्रिप लेफ्ट साइड में वो आपको तमाम फीचर्स मिलते हैं जो कि ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं। और राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पर आपको जो है सिंपल ग्रिप मिलता है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इस बाइक के एग्जॉस्ट की तो एग्जॉस्ट जो है आपको वो सिंपल मिलता है जैसे कि आपको ऑलरेडी 70 में मिलता है। और शॉक्स जो हैं वो आपको स्प्रिंग वाली मिलती हैं, पंपी नहीं मिलती। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इस बाइक के सिलेंडर की तो सिलेंडर जो है 78 cm है। और टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो टैंक कैपेसिटी जो है इस बाइक की वो आपको मिलती है जी 9 लीटर। प्राइस की बात कर लेते हैं और ओवरऑल बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। इस बाइक की प्राइस की बात की जाए तो इस बाइक की जो प्राइस है वो 75,000 है। फिलहाल मार्केट का जो रेट है वो 75,000 है। मे भी हो सकता है आपको 1,000 ज़्यादा में मिले या 1,000 कम में, इनकी जो है फिक्स प्राइस नहीं होती। और ओवरऑल बात की जाए ये बाइक सेम टू सेम 70 जैसी है, लेकिन जो है इस बाइक में आपको अलॉय रिम इंस्टॉल शुदा मिलते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।